हेलो क्लैशर्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्लैशिंग ब्रदर्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को जो अपकमिंग अपडेट आने वाला है सीओसी में सितंबर का अपडेट, उसकी फुल इन्फॉर्मेशन आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज़ सेक्शन में कि सितंबर का बैलेंस है अपडेट आ चुका है। सो यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं क्या क्या अपडेट आने वाला है। सो यहाँ पर गोलेम जो पहला ट्रूप से गोलेम उसकी जो लेवल वन होगा उसका डैमेज पर सेकेंड 38 है अभी, तो अपडेट के बाद वो 35 हो जाएगा। एंड लेवल टू का भी 42 है अभी, वो 40 हो जाएगा डैमेज पर सेकेंड। एंड लेवल थ्री का जो है वो 46 है अभी, 45 हो जाएगा। एंड लेवल फोर का जो है उसमें कुछ कुछ चेंजेस नहीं होंगे। एंड लेवल फाइव का जो वो 54 से 55 होगा। लेवल सिक्स में 58 है अभी, जो दो अभी बढ़ेंगे, सो 60 हो जाएगा। एंड लेवल सेवन में 62 था जो 62 है जो 65 हो जाएगा। एंड लेवल एट में 66 है अभी, 70 हो जाएगा। एंड लेवल नाइन पर 70 है जो 75 हो जाएगा। तो उसके बाद जो ट्रूप्स है गोलेमेट, सो ये है गोलेम को जब गोलेम को आप डिस्ट्रॉय करते हैं उसके बाद दो नए और गोलेम आ जाता है, तो इसके उनकी बारे में है। गोलेमेट मतलब वो दोनों गोलेम होता है। एंड लेवल वन का जो गोलेमेट होगा उसका एचपी हिट पॉइंट होगा 900 अभी है, लेकिन अपडेट के बाद वो 1020 हो जाएगा। लेवल टू में 1080 एंड लेवल थ्री में 1140। एंड लेवल एट एंड नाइन इंक्रीज गोलेमेट काउंट फ्रॉम टू थ्री, मतलब जो दो है उसके डबल हो जाएगा, मतलब तीन में हो जाएगा, एक लेवल अप होगा। सो जो ड्रैगन होगा उसका लेवल जो पाँच होगा उसका हिट पॉइंट 3000 होगा, उसके अभी 3000 है लेकिन अपडेट के बाद 3001 हो जाएगा। एंड लेवल सिक्स में 3300 के बाद 3400 हो जाएगा। लेवल सेवन में 3600 के बाद 3900 हो जाएगा। जो वैल्करी है उसका जो लेवल सेवन है उसका 1300 अभी है लेकिन अपडेट के बाद 1400 हो जाएगा। सो हॉक राइडर का जो लेवल नाइन होगा वो 920 अभी है जो कि 890 हो जाएगा। हॉक ग्लाइडर जो है जो हमारा नाइट बेस है उसका जो हॉक ग्लाइडर है उसका लेवल जब 18 हो जाएगा, उसका जब था 2336 अभी है लेकिन अपडेट के बाद 2124 हो जाएगा। बिल्डिंग जो इन्फर्नो टावर है लेवल टू का उसका डैमेज पर सेकेंड था 38 से लेकर 1250, जो अभी 36 से लेकर 1150 हो जाएगा। लेवल थ्री में 46 से 1400 था जो कि अपडेट के बाद 42 से लेकर 1300 हो जाएगा। सो यहाँ पर टेस्ला जो हिडन टेस्ला होगा वो लेवल 10 का जब हो जाएगा तब 950 अभी है, जो अपडेट आएगा उसके बाद 980 हो जाएगा। जो मोटर है वो लेवल 12 का जो हिट पॉइंट है उसका 950 अभी है लेकिन उसका पावर 980 अपडेट के बाद हो जाएगा। सो यही था हमारा आज का वीडियो और ये था सितंबर का जो अपडेट था उसका फुल इन्फॉर्मेशन और यही था हमारा आज का वीडियो। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।